भाई अगर डीजल में 3-3 मिनट की लाइन लगने लगी ना फिर तो हो लिया देश का कल्याण। ये सामने गाड़ी खड़ी है शिफ्ट, ये आया डीजल लेने। अच्छा, हमने सोची पेट्रोल है। ये जो खड़ी है सामने, हाँ जो एक टंकी भैया की डिग्गी पिग्गी सब खुली पड़ी है। अच्छा, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। अभी मैं निकल चुका हूं पार्क के लिए। अभी टाइम हुआ है 6:27। बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ। भाई कस कह रहा है, उड्डा कह रहा बाहर कब गई थी, यही तो इनका मजा है। बढ़िया अंकल जी, खत्म है तो ओ भाई यार, 3 तो दर्शक है अब, और वो भी ना बोले 5-0 खत्म। ओ भाई भैया एक नंबर भैया, खत्म है हो गया 1 पॉइंट हो गया 1 पॉइंट ये भैया ये पार काटा बंद कर देगा, इसका ऐसा काम कर देगा आज हुड्डा। ये देखो भाई लस्सी पार्टी अभी चालू हो रही है। क्या नहीं है इसमें, पनीर नहीं है? ये देख लो भाई, पनीर नहीं है कह रहा है इसमें। प्रियांश देखो, जैसे आप मेरे बाबू हो तो मेरे को आपके मानना नहीं चाहिए। नहीं, सच बताओ नहीं, नहीं मानना चाहिए। तो मैं आपके एक मार लूं? कहाँ पे मारूं बताओ, यहाँ पे कैसे मारूं, खींच के मार लूं एक आराम से। ए, 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 बस सब्जी कौन सी है? प्रियांश ये देखो, प्रियांश ये देखो, हाँ ये कैसे मुझे मुंह खोल के ना बनाए, आप को ऐसे हाथ ले, मैंने ऐसे कर लिया, आप बता ऐसे करना है। अच्छा तुम मेरे मुड़का पड़ेगा, मेरे को बचना है, काट के दिखाते हैं उसके। पागल हो जा, मैं बड़ा कहीं भी काट दूँ। सुनो देवजी, तो भाई अभी जा रहे हैं तेजस के पास, तेजस से मिलने के लिए। तेजस की बड़ी याद आ रही थी तो मैंने कहा यार तेजस से मिल लेते हैं एक बार। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि तेल डलवा लेते हैं। आप ये देखो भाई, तेल रह रहा है 25 किलोमीटर का, पहले दिखाया इसमें 100 किलोमीटर, फिर दिखाया 80, फिर 40। मैंने सोचा डलवा लूंगा, पर अभी आ गया 25 किलोमीटर पे। तो पहले सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, एक बार पेट्रोल पंप जाके तेल डलवा लेते हैं, जब तक भाई दोनों रेडी हो जाएंगे। वे मैंने फोन कर दिया उनको, आप अभी कहीं बाहर ले जाने का मेरा विचार बन रहा है कि दोनों को कहीं बाहर ले जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो भाई पहुंच गया पेट्रोल पंप पे, डलवा लेते हैं। भीड़ सी लग रही है, सीएनजी डलवा रहा है क्या, इतनी भीड़ है यहाँ पे। डीजल 3 मिनट टाइम लगेगा। लो भाई ये तो सही में हम सीएनजी की लाइन में आ गए, कह रहा 3 मिनट का टाइम लगेगा अभी। तो देखो भाई 3 मिनट वेट करते हैं। भाई अगर डीजल में 3-3 मिनट की लाइन लगने लगी ना फिर तो हो लिया देश का कल्याण। क्या दिक्कत आ रही है डीजल में भाई? भाई बता दे भाई क्या दिक्कत है, क्या भैया अभी खाली ना हुआ, टैंक खाली हो रहा। वो कह रहा 2 मिनट लेगी भाई, पता नहीं क्या ही तो सिस्टम है, क्या ही सर्विस है। कह रहा है कि डीजल नहीं है, चालू नहीं हुआ, ये कह रहा 2 मिनट लेगी, वो कह रहा है आधा ही घंटा लगेगा, पता नहीं क्या है भाई। अब देखो मिलता ठीक है वरना चलेंगे फिर यहाँ से।
ये सामने गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट, ये आया डीजल लेने। अच्छा, हमने सोची पेट्रोल है, ये जो खड़ी है सामने। हाँ हाँ, जो एक टंकी भैया की डिग्गी पिग्गी सब खुली पड़ी है। अच्छा, हमने सोची पेट्रोल है, ये यहाँ पे लिख भी ना रहा कुछ, ना इन्हें कुछ बोला, 3000 कर दो। हमने पेट्रोल मार दिया ठोक कर 3000। आगे जाके गाड़ी बंद हो गई। कितना आगे? अकेला लगा के आपको लिवा लाया, मिस्त्री बुलाया, 500 रुपए लेगा, आपको निकाल देगा सारे को, नया डाल देंगे और का टैंक में गिर जाएगा, 500 रुपए खर्चा। तो ये बंद किस लिए हो रही थी, मतलब क्या दिक्कत आ रही थी? डीजल वो खाली हो रहा था टैंकर। अच्छा, टैंक खाली होता है ना तो इतना चलता नहीं है भाई। डल गया आखिरकार, चल अब निकलेंगे यहाँ से। कुछ नहीं भाई, यूट्यूब के लिए भाई। थैंक यू भाई। तो भाई इनको तरस आ गई मेरे पे और बोले कि कि चलो डाल देते हैं। वो क्या था कि उधर वो टैंकर खाली हो गया था उसका, तो दूसरा टैंकर आया था उसमें तेल भरने के लिए, तो इसलिए इन्होंने बंद कर रखा था। तो चलो अभी निकल के हैं यहाँ से। हाँ, कहाँ पे था तू? मम्मा के पास। द्वारका में इतना जाम है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, निकल नहीं पा रहे। कोई लाइट नहीं मान रहा यार, कोई लाइट नहीं मान रहा, कुछ नहीं मान रहे, सब अपनी अपनी मर्जी से चले जा रहे हैं। और एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने को, अरे पता नहीं क्या हो रहा है, देखियो कितना शोर शराबा है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई आगे। देखो भाई कितना कितना बुरी तरह जाम है। हाँ, पूरा चक्का जाम से करा हुआ है, आधा घंटा हो गया बिल्कुल हमें एक जगह खड़े खड़े। तो भाई अभी पहुंच गए हैं सेक्टर 12 सिटी सेंटर फूड कोर्ट। कब का निकला हूँ मैं, 8 बज गए। देखो यहाँ पहुंचते पहुंचते है स्वाती, कितना जाम था ना, बहुत ज्यादा। तो भाई निकल लिए यहाँ से। आज स्वाति का फास्ट था, कुछ खा तो पाए नहीं, और बस थोड़ा घूम लिए, तेज़ को थोड़ी बहुत चीजें खिलाई, और बाकी हमने लिए गोलगप्पे, घर जाके खाएंगे आराम से। ये देखो भाई, ये जो नया हाईवे बन रहा है, आज उस पर एंट्री मिल गई, और स्वाति यार को छोड़ के आ रहा था मैं, तो अब देखो कि इस हाईवे के बनने की वजह से भाई मेरे को अपने घर पहुंचने में आज मुश्किल से आप देख लो 7 से 8 मिनट लगेगी इस हाईवे की वजह से। और वरना भाई साहब इतना जाम कुछ मत, और अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा है। हाँ, हमारी गाड़ी है यहाँ पे। तो भाई मैं उनको छोड़ के आ गया हूँ, और बस अब पहुँच रहा हूँ घर।